तो दोस्तों मोबीक्विक के रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है, और अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपको वॉलेट से आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपके पास में एक क्वेरी ज़रूर होगी, अगर आपको मोबीक्विक की तरफ से जो लोन मिलता है, यानी कि होम क्रेडिट हो गया, कुछ और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी कि सॉरी थर्ड पार्टी फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से मोबीक्विक हमको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो जब लोन अप्रूव हो जाता है उसके बाद में जो पैसा है वो हमारे वॉलेट में शो होता है, यानी कि वॉलेट में क्रेडिट होता है, लेकिन वॉलेट से हम अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड चैनल। वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नई वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन दबाएँ। तो दोस्तों मोबीक्विक जो लोन देता है, और लोन की जो मोबीक्विक के पास में कैटेगरीज है वो बहुत तरह की है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहली होती है जिप पे लेटर, जो हमको 15 दिन के लिए मिलता है और 15 दिन में हमको वापस रिपेमेंट करना पड़ता है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जिप पे लेटर का जो क्रेडिट लाइन हमको मिलता है उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए या तो पेड की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, स्नैप पे को यूज़ करते हैं। अगर उसके साथ में अगर दूसरे लोन की बात करूँ तो आपको मिलता है एक बिल्स पे लेटर, जिसको हम स्नैप पे या पेड की एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जो कैटेगरी है बिल्कुल अलग है। आप उससे रिचार्ज बिल पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, या फिर आप स्विगी जोमेटो कुछ राइड बुक कर रहे हैं, तो उस तरह की कुछ सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेड की और स्नैप पे एप्लीकेशन से आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बात करी स्नैप पे और पेड किया। दोस्तों जब भी आप अपने जिप पे लेटर को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज़ आप सबसे पहले KYC करवा लो। अगर आपने KYC नहीं करवाई तो उस आपका क्या होगा कि जो पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो स्टक हो जाएगा, और वहाँ से ईमेल आएगी कि प्लीज़ आप अपनी KYC कंप्लीट करें, फिर उसके बाद में हम आपका पेमेंट रिलीज़ करेंगे। तो इस चक्कर से बचने के लिए दोस्तों आप बस एक बार KYC कर लेना जब भी आप इंस्टॉल करें। अब बात कर लेते हैं जो हमको लोन मिलता है। लोन मिलने के बाद में क्या होता है कि जो पेमेंट होता है हमारे लोन का, जो हमको EMI से हमको मिलता है, यानी कि होम क्रेडिट हमको देता है मोबीक्विक से, तो दोस्तों जो पेमेंट मिलता है वो 20,000 से 1,00,000 रुपए तक का होता है, और उसमें EMI होती है 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, तो इस तरीके का लोन होता है, और उसकी EMI कटती है हर महीने हमारी बैंक से। लेकिन जब वो अमाउंट अप्रूव होता है उसके बाद में वो वॉलेट में शो होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो अमाउंट जो है वॉलेट वाला, यानी कि जो अप्रूव हुआ है लोन, वो हमको वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों वो जो वॉलेट वाला जो पैसा है, यानी कि अप्रूव हुआ है लोन का पैसा, वो आप अपनी जो मोबीक्विक की एप्लीकेशन है उसी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये कैसे क्या करना है सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो करते शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली अपना जो मोबीक्विक है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं वॉलेट, और या फिर आप बोल दीजिए बैलेंस वाला ऑप्शन ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा, और लास्ट जो थर्ड नंबर का है अदर बैलेंस ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑल कर देना है आपको, ठीक है, यानी कि इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोन ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन हमको मिल जाता है, यानी कि अगर आपको मोबीक्विक की तरफ से जो 1,00,000 वाला जो लोन मिलता है वो आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन से आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोन है वो हमारे वॉलेट में तो ऐड होता है, लेकिन वॉलेट में ऐड होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपका जितना भी पैसा है आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में तुरंत, यानी कि 1 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप अपने जो लोन हमको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए उसको आसानी से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ना ही किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, यानी कि ना ही स्नैप पे की एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ना ही आपको पेड की एप्लीकेशन की, तो आप इन दोनों एप्लीकेशन से दूर रहें। अगर आपने लोन लिया है बड़ी लॉन्ग टर्म कंडीशन वाला,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अपने मोबीक्विक से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, और अगर आपके उसके बाद में भी कोई सवाल रह जाते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी भी हो सके और आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।